कहते हैं जब भी किसी की शादी होती है तो वह अपने पति और पत्नी से कुछ उम्मीदें लगाकर वह अपने ससुराल आती है, और जब वह पति उसकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाता तो वह कुछ ऐसे रास्ते को चुन बैठती है कि वह रास्ता सीधे उसे जेल की सलाखों के पीछे लेकर चला जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला जो अपने ससुराल पहुंचती है और अपने पति से जो उम्मीदें रखी हुई होती है वह उम्मीदें उसका पति पूरा नहीं कर पाता है, तो वह अपने ही देवर से वह सारी कमियों को पूरा कराने लगती है। फिर जो होता है उसमें एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और एक जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है। वहीं का रहने वाला सतीश यादव, जिसकी उम्र 52 साल थी, सतीश यादव की पत्नी अनिता यादव, जिसकी उम्र 48 साल थी। जो अनिता यादव थी वह करीब 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। जो सतीश यादव था वह अपने दो बेटों के साथ बेहद ही खुशी से अपने घर में रहा करता, खेती बाड़ी किया करता था। सतीश यादव के दो बेटे, एक मंटू यादव जो कि बड़ा बेटा था और एक रोहित यादव जो कि छोटा बेटा था। मंटू यादव जो कि 10वीं फेल था इसलिए वह अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करता। जो रोहित था वह पढ़ाई लिखाई कर कर जालंधर में वह नौकरी किया करता था। दिन जो था वह बहुत ही बेहतरीन चल रहा होता है, बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, खुशहाली भरी जिंदगी सभी की गुजर रही होती है। कई रिश्ते जो थे वह रोहित के लिए उसके घर पर आते हैं, उसके पिता से बात करते हैं, लेकिन जो उसके पिता सतीश थे वह कहते हैं कि नहीं, मैं अभी अपने छोटे बेटे का शादी नहीं करूंगा, मेरे बड़े बेटा जो है वह अभी कुंवारा है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं रोहित की शादी नहीं करना चाहता। लेकिन जितने भी रिश्तेदार आते सभी रोहित के लिए शादी का रिश्ता लेकर आते, मंटू के लिए कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आ रहा होता है। जो सतीश यादव होते हैं वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जो उनका बड़ा बेटा है उसकी शादी कैसे होगी। जो सतीश यादव होते हैं वह अपने कई रिश्तेदारों और कई दोस्तों को कहते हैं कि पहले वह अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जो घर परिवार को संभाले और पढ़ी लिखी हो। जो सतीश यादव होते हैं वह धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों सभी दोस्तों से बारी बारी बात कर रहे होते हैं। तभी एक उनका एक दोस्त होता है अनिल, जो कहता है कि मेरे गांव की एक लड़की है जिसका नाम प्रीति है और पढ़ने में भी अच्छी खासी है, वह अभी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रही है और साथ में खूबसूरत भी है। जो उसके माता पिता जो है वह बेहद ही गरीब हैं, जो वह तैयार हो जाएंगे मंटू से शादी करने को। जो सतीश यादव होते हैं वह कहते हैं कि अगर मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो मैं तुरंत रोहित की भी शादी तुम्हारे कहे अनुसार लड़की से मैं कर दूंगा। जैसे ही इस बात को सतीश का दोस्त सुनता है वह तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है मैं बहुत ही जल्द एक दो दिनों में ही कॉल कर बताऊंगा कि प्रीति के जो पिता हैं वह शादी के लिए तैयार है या नहीं। इतना कहकर वह कॉल को रख देता है। 10 दिन गुजर जाने के बाद जो सतीश के दोस्त होते हैं अनिल वह कॉल करते हैं सतीश के पास कि दोस्त, मैंने जिस लड़की के बारे में बताया था कि मंटू के लिए, वह उसके पिता जो है वह शादी के लिए तैयार हो चुके हैं, जो तुम जल्दी से मेरे यहाँ चले आओ और वहाँ पर चलकर प्रीति के माता पिता से बात कर लेना, वहाँ पर जितने भी पैसे की बात होगी ये तुम्हारे सामने ही होनी चाहिए। जो सतीश यादव होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे घर में एक बहू चाहिए। इतना कहकर वह कहते हैं कि कल ही वह उनके पास पहुंचेंगे। उसी रात के करीब 8 बज रहे होते हैं, जो सतीश यादव होता है वह अपने बेटे मंटू के साथ बैठकर बांडे में खाना खा रहा होता है। सतीश यादव अपने बेटे मंटू से कहता है कि मंटू, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की जो कि पता की है और कल जो है वह उस लड़की के घर पर जाना है, क्या तुम जो है वह तैयार हो? नाम है प्रीति और वह अभी इंटर की पढ़ाई कर रही है, दिखने में भी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। जो मंटू होता है वह कहता है कि पिताजी, आप जिससे कहोगे उसे मैं शादी कर लूँगा, बस एक बार मेरे छोटे भाई से बात कर लेना कि वह क्या कहता है। जो सतीश यादव होते हैं वह कहते हैं कि बेटे, शादी तुम्हारी होने वाली है, ना ही कि रोहित
तुम्हारी पत्नी आएगी, ना ही कि उसकी। तो तुम बताओ, तुम क्या कहते हो, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जो मंटू होता है वह कहता है कि जैसा मेरा छोटा भाई पसंद करेगा वैसी लड़की से मैं शादी कर लूँगा। जो पूरा घर का खर्चा जो है वह रोहित चलाता है। जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो कितने पैसे कमाते हैं, उसे सही से करें तो महीने में 10-5 हज़ार रुपये भी नहीं हो पाते। जो वो अगर पैसे देना बंद कर देगा तो घर के खर्च जो है वह चलना मुश्किल पड़ जाएगा। एक बार रोहित से बात कर लीजिए। वह तुरंत अपने मोबाइल को निकालता है और रोहित के पास कॉल लगा देता है। जो सतीश यादव होते हैं अपने छोटे बेटे रोहित को सारी बातों से अवगत कराते हैं और कहते हैं कि कल सुबह ही वह प्रीति के माता पिता से मिलने जा रहे हैं। जो रोहित होता है वह कहता है कि जिनसे भैया की शादी होने वाली है उनकी तस्वीर जो है वह उसके पास जरूर भेजिए और नंबर लेकर आए, ताकि वह पता कर सके कि वह पढ़ने लिखने में कैसी है और उसका जो विचार है वह कैसा है, उसे बातें कर कर वह देखेगा। जो सतीश यादव होते हैं वह कहते हैं ठीक है बेटे, तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। इतना कहकर सतीश यादव जो होते हैं वह कॉल को रख देते हैं। रात बीतती है, अगली सुबह होती है, सुबह के 8 बज रहे होते हैं। सतीश वहाँ से निकलते हैं अपने दोस्त अनिल के पास। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो अनिल होते हैं वह अपनी दोस्ती वहाँ पर निभाते हैं। सभी मिलकर वहाँ पर करीब 2-3 घंटे तक पार्टी इंजॉय की जाती है। पार्टी हो जाने के बाद अनिल और सतीश दोनों मिलकर प्रीति के माता पिता के घर पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो प्रीति के माता पिता थे उन्हें पहले ही सूचना दे दी गई थी कि आज उनके यहाँ बेटी का रिश्ता आने वाला है, इसलिए वह सारी तैयारियाँ जो थे वह पहले से कर चुके थे। जो सतीश यादव होते हैं और अनिल वह दोनों बैठकर बातें करना प्रीति के माता पिता से शुरू कर देते हैं। 2-3 घंटे तक बातें जो थी वह चलती जा रही होती है। जो प्रीति के माता पिता थे वह पूछते हैं कि आप दहेज में क्या कितना पैसा लेने वाले हो और क्या क्या सामान चाहिए, सारी चीज़ें जो है वह शादी से पहले ही आप हमें बता दो। जो सतीश यादव होते हैं वह कहते हैं कि मुझे एक भी रुपया दहेज में नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई सामान चाहिए, बस मेरे बेटे के लिए एक पत्नी चाहिए और मुझे एक बहू चाहिए। जैसे इस बात को प्रीति के माता पिता सुनते हैं उनके आंखों से आंसू छलक जाते हैं और कहते हैं कि काश आपकी तरह हर पिता हो जो वह पैसे के पीछे न जाए, सिर्फ वह बहू ढूंढे तो कैसा होगा। जो अनिल होते हैं वह कहते हैं कि भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिश्ते की बात जो हो ही गई है तो शादी का दिन भी फिक्स कर देनी चाहिए। जो प्रीति के माता पिता थे वह कहते हैं कि ठीक है, अभी पंडित को कॉल किया जाता है। वह तुरंत पंडित को कॉल करते हैं, पंडित वहाँ पर पहुँचते हैं। पंडित पहुँचने के बाद सारी कुंडलियों को जो थी वहाँ पर मिलाई जाती है। मिलाने के बाद करीब 3 महीने बाद शादी का डेट फिक्स किया जाता है, 4 जून 2019। तब जो सतीश यादव थे वह कहते हैं कि ठीक है, 3 महीने बाद ही शादी मंटू और प्रीति की हो जाएगी। और जो कि गांव में जो है वह उनका घर जो है वह छोटा है, इसलिए वह होटल में शादी करेंगे। जो प्रीति के माता पिता थे वह कहते हैं कि आप जहां भी शादी करने को कहोगे मैं तैयार हूं। सतीश जो होते हैं वह प्रीति के माता पिता से गले मिलते हैं और कहते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी। इतना कहते हुए जो सतीश यादव थे वह कहते हैं कि प्रीति के जो एक फ़ोटो मेरे मोबाइल में खींच दीजिए और प्रीति का एक नंबर दीजिए, ताकि जो मेरा छोटा बेटा है वह कुछ प्रीति से बात करेगा, उनसे कुछ पूछताछ करेगा, ताकि जो मेरा छोटा बेटा है उसे संतुष्टि हो जाए कि वह उसके घर में जो बहू आने वाली है वह पढ़ी लिखी है और संस्कार उसका जो है वह बेहतर है। जैसे इस बात के प्रीति के माता पिता सुनते हैं वह कुछ समझ नहीं पाते, वह कुछ सोचते हैं और तुरंत अपनी बेटी प्रीति के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि बेटी, जो तुम्हारा होने वाला देवर है वह तुम्हारा नंबर मांगा है और तुमसे वह पूछताछ करना चाहता है, तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। जैसे इस बात को प्रीति सुनती है वह कहती है कि वह क्या करता है। तो जो प्रीति के माता पिता थे वह कहते हैं कि तुम्हारा जो होने वाला पति है वह खेती बाड़ी क्या करता है, और जो तुम्हारा देवर है वह जलंधर में नौकरी किया करता है। जैसे ही प्रीति इस बात को सुनती है वह मुस्कुराती है और तुरंत
अपने नंबर को एक लिफाफे में लिखकर दे देती है। और उस जो प्रीति के ससुर सतीश यादव थे उनका मोबाइल में वह खुद का एक सेल्फी लेती है और वह दे देती है। जो सतीश यादव होते हैं वह वहाँ से निकलते हैं और सीधे वह अपने घर पर पहुँचते हैं और वह सबसे पहले अपने बड़े बेटे मंटू को प्रीति की तस्वीर को दिखाते हैं। प्रीति जो था वह जैसे ही तस्वीर को देखता है वह मुस्कुराता है और कहता है कि बेहद ही खूबसूरत है। जो सतीश यादव होते हैं वह कहते हैं कि यह जो तस्वीर है ये जल्दी से अपने छोटे भाई के पास भेज दो। जो मंटू यादव होता है वह अपने छोटे भाई के पास वह तस्वीर रोहित के पास भेज देता है और उस नंबर को भी वह भेज देता है और धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। शादी जो थी वह बहुत ही धूमधाम से मंटू और प्रीति की करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जो प्रीति थी वह अपने ससुराल आती है मंटू के घर पर। जो प्रीति थी वह अपने रूम में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। मंटू जो था वह अपने छोटे भाई रोहित और अपने सभी रिश्तेदारों से बात कर रहा होता है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। जो सभी रिश्तेदार थे वह कहते हैं कि मंटू काफ़ी रात हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी प्रीति जो है वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जाओ। जो मंटू था वह मुस्कुराता है और वह अपनी पत्नी के रूम में जाता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर तो अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। जैसे ही प्रीति अपने पति को देखती है वह मुस्कुराती है और तुरंत ओई पे से एक गिलास में दूध रखा हुआ था उसे वह उठाती है और मंटू को दे देती है। मंटू जो था वह उस दूध के गिलास को पीता है और उसे नींद आना शुरू हो जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ बिना रिलेशन बनाए वह वहीं पर सो जाता है। करीब रात के 1 बज रहे होते हैं। रोहित के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ, जो तुम्हारा बड़ा भाई मंटू है वह सो चुका है। रोहित उस मैसेज को पढ़ता है और वह तुरंत प्रीति के कमरे में पहुंचता है और अपने भाई को देखता है कि जो उसका भाई मंटू है वह बगल में सो रहा है और वह तुरंत अपनी भाभी प्रीति के पास पहुंचता है और दोनों बैठकर बातें करते हुए एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बीतती है और धीरे धीरे वह दोनों अपने भाई के सामने ही रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। करीब सुबह के 4 बज रहे होते हैं। जो रोहित था वह वहाँ से उठता है और वह अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही मंटू की आंखें खुलती है वह देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह सो रही है। मंटू जो था वह पूछता है कि आखिर उस दूध के गिलास में ऐसा क्या था जिसके कारण उसे नींद आ गई। तो जो प्रीति थी वह कहती है कि उस दूध के गिलास में कुछ नहीं था, तुम ज़्यादा शराब पी लिए थे रात का में, इस कारण से तुम्हें नींद आ गई थी। जो मेरा सुहागरात का दिन जो है वह तुमने खराब कर दिया। जो मंटू था वह कहता है कि कोई बात नहीं, जो अगले दिन जो है वह हम दोनों अच्छे से प्यार करेंगे। इतना कहकर वह वहाँ से उठता है और तुरंत अपने पिता के साथ खेतों में पानी देने के लिए वह चला जाता है। उसी शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। सभी रिश्तेदार जो थे वह अपने अपने घर चले जा चुके थे। जो मंटू था वह अपनी पत्नी प्रीति और अपने पिता अपने छोटे भाई के साथ बैठकर बांडे में बातें कर रहा होता है। सभी मिलकर खाना से एक साथ खा रहे होते हैं। करीब रात के 10 बजते हैं। सभी लोग जो थे हंसी मजाक कर कर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। जो प्रीति थी वह अपने रूम में सोने के लिए पहुंची हुई थी। मंटू जो था वह पीछे से अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचता है और अपनी पत्नी से जाकर प्यार करना शुरू कर देता है और भूखे भेड़िए की तरह अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है। जो पत्नी प्रीति थी वह रोना शुरू कर देती है, वह मना कर रही होती है, लेकिन जो मंटू था वह कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे साथ प्यार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। इतना कहते हुए वह अपनी पत्नी से प्यार कर रहा होता है। जो रोहित होता है वह सारी चीज़ों को बाहर से बैठकर सुन रहा होता है। उसकी भाभी जो है प्रीति वह कमरे में रो रही है, लेकिन वह चुपचाप से रह जाता है। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे होते हैं। जो प्रीति थी वह चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी जो रोहित था वह अपनी भाभी के पास पहुंचता है और कहता है भाभी कल जो है वह हुआ जो ठीक नहीं हुआ, जो मैं जो हूँ वह आज शाम को जाने वाला हूँ, जो कुछ दिनों बाद आप दोनों भैया और आप दोनों वहाँ पर चले आना ताकि
हम दोनों जो है वहाँ पर अच्छे से रहें, और भैया को कहीं पर वहीं पर काम लगा देना है, उन्हें काम में बिजी रखना है। जो प्रीति थी वह इस बात को सुनती है, वह कहती है कि ठीक है, आप पहले जलंधर तो चले जाओ। इतना कहकर प्रीति मुस्कुराती है और रोहित के हाथों को पकड़ लेती है। जो रोहित था वह देखता है कि उसका बड़ा भाई मंटू आ रहा है, तो वह तुरंत अपने झटके से अपने हाथ को हटाता है और वहाँ से उठकर वह अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता है। शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। जो रोहित था वह अपने नौकरी पर चला जाता है जलंधर। कुछ दिन बीतने के बाद जो रोहित था वह कॉल करता है अपने बड़े भाई, अपने पिता के पास, कि भैया जो है वह गांव में रहा करते हैं, खेती बाड़ी किया करते हैं, उतने पैसे नहीं आते जितने आने चाहिए खेती बाड़ी से, जो क्यों ना वह जलंधर चले आओ, यहीं पर जो कोई जॉब कर ले, 10,000 रुपये महीने मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे, तो जो उनका आने वाला जो भविष्य है वह अच्छा होगा। जो सतीश यादव होते हैं वह कहते हैं कि मंटू, ये जो तुम्हारा छोटा भाई है वह ठीक कह रहा है, तुम अपनी पत्नी के साथ रोहित के पास चले जाओ, उसे भी खाना बनाने में दिक्कत होती होगी, भाभी उसकी चली जाएगी वहाँ पर, तो खाना भी सही तरीके से उसे मिलता रहेगा, मैं तो क्या, मैं कैसे भी गाँव में रह लूँगा। जो मंटू था वह मुस्कुराता है और कहता है ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हो वैसा ही होगा, और कल ही हम लोग जो है वह जलंधर के लिए निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे होते हैं। जो प्रीति थी वह सारी तैयारियों को कर चुकी थी। प्रीति और मंटू मैनपुरी से निकलते हैं और जलंधर के ट्रेन पर बैठते हैं, आवासीय जलंधर अपने देवर के पास पहुंच जाती है। जो रोहित था वह स्टेशन अपने भाई और अपनी भाभी को लेने के लिए पहुँचता है, और वह अपनी भाभी और भाई को लेकर वह अपने रूम पर जाता है। उसे एक क्वार्टर मिला हुआ था, उसी क्वार्टर में वह तीनों रहने लगते हैं। अगले दिन जब रोहित अपने काम पर जाता है और जब वह लौट रहा होता है, तो वह कई फैक्ट्रियों में बात करता हुआ आता है और घर में आकर कहता है, भैया जो आपके लिए मैंने एक काम देखा है, वह पास के ही एक फैक्ट्री में है, जो कभी कभार वह सप्ते में आपको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, कभी डे ड्यूटी करनी पड़ेगी, 15 दिन का शिफ्ट रहेगा। जो मंटू होता है वह कहता है कि भाई जैसा भी काम हो मैं कर लूँगा, क्योंकि खेतों में जितना काम करना पड़ता है उसे होला ही काम यहाँ पर होगा। रोहित जो था इस बात को सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है ठीक है भैया, मैं कल से ही आपको वहाँ पर जाकर दिखा दूँगा, आप कल से वहाँ पर आप काम करने जा सकते हो। अगले दिन सुबह के करीब 9 बज रहे होते हैं। जो रोहित था वह अपने बड़े भाई मंटू को लेकर उस फैक्ट्री में पहुंचता है, कपड़े के कारखाने में, और वहां पर मंटू को जान पहचान रोहित जो था वह सभी से करा कर वह अपने नौकरी पर चला जाता है। रोहित को नौकरी पर चले जाने के बाद मंटू जो था वह अपने काम पर समय पर चला जाया करता, वह उसकी जो थी 15 दिनों की शिफ्ट डे ड्यूटी थी। जब मंटू डे ड्यूटी करता तो वह डे में जो रोहित था वह रूम पर पहुँच जाया करता क्वार्टर में, और अपनी भाभी से प्यार करता, उसके साथ रिलेशन बनाता। जब उसकी नाइट शिफ्ट होती, जो रोहित था वह बिल्कुल आज़ाद होता, दोनों मिलकर एक दूसरे से प्यार करते। दिन ऐसे ही गुजरता हुआ जा रहा होता है। उसी बीच में जो प्रीति थी वह कहती है कि ऐसा जो है वह कब तक चलेगा, जो मंटू को क्यों ना इस दुनिया से अलविदा कर देनी चाहिए, जो सारी गाँव की जो प्रॉपर्टी है वह सिर्फ हम दोनों की रह जाएगी, और हम दोनों जो है वह एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और मेरा पति जो है वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो रोहित था इस बात को सुनता है वह कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, वह बड़ा भाई है उसका, वह बचपन में उसे अपने गोद में खिलाया है। जो प्रीति थी वह मुस्कुराती है और कुछ सोचती है, वह चुप रह जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात करीब 9 बज रहे होते हैं। जो मंटू था वह अपने काम पे से लौट रहा होता है हाईवे के थ्रू, तभी एक ट्रक जो थी वह वहाँ से गुजर रही होती है, और उस ट्रक से टकरा जाने की वजह से जो मंटू था इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो सभी वहाँ पर आसपास के जो लोग थे वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जो थी वह तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और मंटू को आईडी वगैरह देख कर और मोबाइल के नंबरों को निकाल कर वह तुरंत रोहित और प्रीति को पुलिस जो थी वह इन्फॉर्म करती है। रोहित प्रीति वहां पर पहुंचते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं।
पुलिस जो थी वह पहले इसे एक्सीडेंट के नज़रिए से देखती है और पोस्टमार्टम करा लेने के बाद बॉडी को प्रीति के हवाले कर दिया जाता है। जो रोहित था वह अपने पिता को जलंधर बुलाता है और वहीं पर मंटू को अंतिम विदाई दे दी जाती है। अंतिम विदाई दे देने के बाद इधर पुलिस जो थी वह उस गाड़ी की तलाश कर रही होती है, वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रही होती है कि किस गाड़ी से जो मंटू है इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तभी पुलिस जो थी वह एक सीसी कैमरे में देखती है कि एक ट्रक जो है वह वहाँ से गुजर रहा है और मंटू साइकिल से आ रहा था और जो साइकिल ट्रक है वह साइकिल से टकरा गया। पुलिस जो थी वह उस नंबर को नोट करती है और उस नंबर के मालिक के पास पहुँचती है और उस दिन पता करती है कि उस रात को जो ट्रक था वह कौन चला रहा था, कौन सा ड्राइवर था। जो ट्रक मालिक होता है वह कहता है कि उस रात अंकित नाम का जो व्यक्ति था वह ट्रक ड्राइवर था। पुलिस जो थी वह उस रात अंकित नाम के उस ट्रक ड्राइवर को थाने में बुलाती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है। तो जो अंकित ट्रक ड्राइवर था वह कहता है कि वह उस रात काफ़ी ज़्यादा रात शराब पिया हुआ था, इस कारण से वह उस व्यक्ति को नहीं देख पाया और उसे एक बार ठोक दिया। पुलिस इस बात को सुनती है और एक्सीडेंट के मामले को केस में दर्ज कर लिया जाता है और उस ट्रक ड्राइवर को कुछ सालों की सज़ा हो जाती है। उधर जो रोहित था वह अपनी भाभी के साथ बेहद ही खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा होता है। जो सतीश यादव होते हैं वह देखते हैं कि जो उनका छोटा बेटा रोहित है वह अपनी भाभी प्रीति से काफ़ी लगा बजा रहता है। इस चीज़ को देखकर वह कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं कि जब से जो प्रीति है वह रोहित के पास गई है तो वह उसे काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ा चुकी हैं। जो रोहित के पिता थे सतीश यादव वह सोचते हैं कि कहीं मंटू को इन दोनों ने मिलकर ही इस दुनिया से अलविदा तो नहीं किया। वह तुरंत वापस उसी थाने में पहुँचती है और कहती है कि साहब मुझे जो है वह अपने छोटे बेटे रोहित और प्रीति पर शक है कि मंटू को जानबूझकर इस दुनिया से अलविदा किया गया है। पुलिस जैसे ही मंटू के पिता के बात को सुनते हैं वह कुछ समझ नहीं पाते। जो सतीश यादव थे वह कहते हैं कि इस केस को फिर से ओपन किया जाए और फिर से जांच पड़ताल अच्छी तरीके से किया जाए। पुलिस जो थी वह फिर से उसी ड्राइवर को थाने में बुलाती है और सभी तरीकों से जाँच कर रही होती है। साथ में पुलिस जो थी वह उस अंकित ड्राइवर से फिर से कड़ी से जब पूछताछ करना शुरू करती है तो जो अंकित था वह सारी बातों को कबूलना शुरू कर देता है कि हाँ वह जो प्रीति है जो मंटू की पत्नी वह उसके पास 5 लाख रुपए लेकर आई थी और वह कह रही थी कि उसका पति जो मंटू है वह रात के 9 बजे अपनी कंपनी से निकलेगा तो उसे इस दुनिया से अलविदा कर देना है। मैंने 5 लाख रुपये लिए और प्रीति के कहने पर मंटू को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है वह तुरंत उसे 2 चाटे और लगाती है और कहती है कि तुम उस दिन तुमने क्यों नहीं बताए और 2 महीने बीत चुके हैं। पुलिस जो थी वह तुरंत वहां से निकलती है और तुरंत रोहित और प्रीति को गिरफ्तार करके थाने में लाकर पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुम दोनों ने मंटू को इस दुनिया से अलविदा क्यों किया। जो रोहित और प्रीति थे वह कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर वह क्या बोलें। काफ़ी देर पूछताछ करने पर जो रोहित था वह कहता है कि जब वह प्रीति से पहली बार बात किया था तो उसकी आवाज़ जो थी वह उसे काफ़ी अच्छी लगी, इस कारण से प्रीति से वह हर दिन बात कर रहा होता है और धीरे धीरे वह दोनों जो थे वह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे लेकिन दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन शादी के उस रात को जो प्रीति थी वह मेरे मोबाइल पर मैसेज करती है, उस दिन के बाद हम दोनों का जो रिश्ता था वह बदल चुका था, हम दोनों एक दूसरे के साथ नज़दीक आ चुके थे और हम दोनों ने प्लानिंग किया कि हम दोनों को एक दिन साथ रहना है तो क्यों ना भैया और भाभी को जलंधर बुला लेनी चाहिए। इसलिए वह प्रीति जो थी वह अपने पति मंटू के साथ जलंधर चली आती है। एक रात को जो प्रीति थी वह कहती है कि मंटू को इस दुनिया से अलविदा कर दो लेकिन मैं जो था वह तैयार नहीं होता हूँ और लेकिन मैं नहीं जानता कि मंटू को इस दुनिया से अलविदा किसने किया। पुलिस जो थी इस बात को सुनती है और तुरंत
प्रीति से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपने पति को इस दुनिया से अलविदा क्यों किया। जो प्रीति थी वह कहती है कि वह अपने पति के साथ बेहद ही खुश नहीं रहती थी। जो उसका पति था वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही कोई काम काज का था। वह जब भी मेरे पास आया करता वह भूखे भेड़िए की तरह टूट आया करता, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे तो हम दोनों का बीच में जो कांटा था वह मंटू बन रहा था। इसलिए मैंने रोहित से कहा, लेकिन रोहित जो था वह मना कर दिया। उसके मना करने पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं सोची कि क्यों न जो मेरे पास पैसे हैं 5 लाख रुपये उसे किसी को देकर मंटू को इस दुनिया से अलविदा कर देनी चाहिए। इसलिए मैं उस व्यक्ति अंकित के पास गई और उसे इस दुनिया के अलविदा करने के लिए मंटू को मैंने 5 लाख रुपये दिए। और जैसे इस बात को सुनती है वह प्रीति को गिरफ्तार कर लेती है और अंकित को गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल के सलाखों के पीछे कर या कोर्ट में पेश किया जाता है और दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या मंटू के पिता सतीश की गलती थी कि वह अपने बड़े बेटे की शादी करने वक्त वह छोटे बेटे के राय मशवरा ले रहे थे, या फिर मंटू की गलती थी कि वह उतनी पढ़ने लिखने में ठीक नहीं था, वह जॉब नहीं कर रहा था, नौकरी नहीं कर रहा था और अपनी पत्नी को जो सुख चाहिए था वह सुख उसे नहीं दे रहा था? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।